ओडीआई की रैंकिंग में 8 नंबर से उठकर आने वाली टीम ने जब चैंपियंस ट्रॉफी उठाई तो सबके मुंह बंद ही रह गए। अंदाजा लगाइए, 8 नंबर की टीम अगर आज जीती है तो ए वो टीम डिजर्व करती थी जीतना। वो टीम जो इस टूर्नामेंट से पहले लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, उनके पास टीम में सीनियर प्लेयर्स बहुत ही कम थे और उनके सेमीफाइनल खेलने के आसार भी ना होने के बराबर थे। उस टीम ने दुनिया का चैंपियंस बनके पूरी दुनिया को शॉक करके दिखाया, लेकिन पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी उठाने में बहुत सी रुकावटें आईं। पाकिस्तान को जवाब देने वाले जवानों के चेहरे पर आज एक बार फिर ऐसी ही खुशी देखने को मिलने वाली है और उसकी वजह होगी भारत के हाथों पाकिस्तान की एक और हार। शुरुआत होती है 2015 के वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान टीम ने इस वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट जो मैच खेलना था उससे पहले ही इस मैच को लेकर इंडियंस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्रोलिंग शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने आज से पहले कभी भी वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया था और इसीलिए इंडिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट टीवी एड्स बनाई जा रही थी। पाकिस्तान इंडिया मैच की इतनी हाइप बनने के बाद जब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप में उतरी तो हर बार की तरह उन्हें इंडिया के सामने बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत ही ख़राब रही। एक मैच तो ऐसा भी आया जब वेस्टइंडीज़ के सामने पाकिस्तान टीम के सिर्फ एक रन पर 4 आउट हो चुके थे। जैसे तैसे पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में तो पहुंची, लेकिन उसमें भी ऑस्ट्रेलिया से वन साइडेडली हारने के बाद इस वर्ल्ड कप से एग्जिट हो गई। अब इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम के दो बड़े नाम शाहिद अफरीदी और मिसबा उल हक ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और मिसबा उल हक के रिटायरमेंट लेने के बाद अजहर अली को पाकिस्तान का ओडीआई कैप्टन बना दिया गया। हैरान कुन तौर पर इससे पहले अजहर अली पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में भी नहीं थे। इसके बाद पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश का टूर किया और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से वाइट वॉश हो गई। अब ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा था। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया, रिकॉर्ड बुक पर कालक वोट दी है। पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में 9वें नंबर पर आ गई थी। अगर पाकिस्तानी टीम को 2017 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना था तो उन्हें 30 सितंबर 2015 से पहले पहले ओडीआई की टॉप 8 रैंकिंग में आना था और इस वक्त पाकिस्तान टीम ओडीआई रैंकिंग में 9वें नंबर पर खड़ी थी। इसके बाद पाकिस्तान बोर्ड ने जिम्बाब्वे के साथ एक सीरीज ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे को हराना दूसरी टीम्स के निस्बत आसान था। ये वही सीरीज थी जिसमें बाबर आजम का डेब्यू भी हुआ था। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये सीरीज तो जीत ली, लेकिन इसके बाद भी वो स्टिल 9th नंबर पर ही थे। और अब इसके बाद पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका का टूर करना था, जहां पाकिस्तान को श्रीलंका के अगेंस्ट 5 ओडीआई मैचेस की एक सीरीज खेलनी थी। अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए क्वालिफाई करना था तो पाकिस्तान के लिए इन 5 में से 3 मैचेस जीतना ज़रूरी था। अदरवाइज अगर वो श्रीलंका से भी ये सीरीज़ हार जाते तो वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए क्वालिफाई भी ना कर पाते। श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ का पहला ओडीआई पाकिस्तान ने ईजिली जीत लिया और उसमें मोहम्मद हफीज़ ने एक बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की। दूसरे मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के लिए अब मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही थी। They need to win this series to lay a claim to entry of Champions Trophy. थर्ड ओडीआई में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी और अब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए चौथे मैच में एक जीत की ज़रूरत थी। सीरीज़ का चौथा ओडीआई भी पाकिस्तान टीम ने जीत लिया और इस तरह पाकिस्तान टीम ओडीआई की रैंकिंग में 8वें नंबर पर आ गई। अब पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए क्वालिफाई तो कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की ओडीआई रैंकिंग चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली टीम्स में सबसे निचली थी। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग को लेकर बहुत बड़ा मसला आ रहा था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के हाथों एक मैच में 444 रन करवा लिए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में भी पाकिस्तान टीम बुरी तरह स्ट्रगल करती नजर आ रही थी। इसके बाद पीसीबी ने अजहर अली को ओडीआई की कैप्टेंसी से हटा दिया और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सरफराज अहमद को ओडीआई टीम का कैप्टन बना दिया। अब एक नए कप्तान के साथ पाकिस्तानी टीम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में एंटर हुई। मोहम्मद आमिर की एक लंबे बैन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो चुकी थी। हसन अली, बाबर आजम, शादाब खान और फखर जमान जैसे नए और इनएक्सपीरियंस प्लेयर पाकिस्तान टीम में थे। पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला और इस मैच में इंडियन टीम पाकिस्तान पर हर तरह से डोमिनेट करती हुई नजर आई।
इंडिया ने पाकिस्तान को 324 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान टीम इस टारगेट को चेज करने में बुरी तरह से नाकाम रही। पाकिस्तान अपना पहला ग्रुप मैच हार चुका था और अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने अगले दोनों ग्रुप मैचेस जीतने थे। पाकिस्तान का अगला मैच टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका से था। इस मैच में पाकिस्तान ने सबको शॉक कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 219 रन पर रोक दिया और टारगेट चेज करते हुए पाकिस्तान टीम ने बैटिंग भी अच्छी की। बारिश आने के बाद DLS मेथड से पाकिस्तान ने ये मैच 19 रन से जीत लिया। अल्लाह ताला ने वो हम मैच जिताना था और बस उसी मैच से जिस तरह हमारा मोमेंटम हमने पकड़ा। अब पाकिस्तान का तीसरा और इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच श्रीलंका से था। ये मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच था। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाता। कप्तान सरफराज अहमद की बेहतरीन बारी ने पाकिस्तान को ये मैच भी जितवा दिया और अब पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में एंट्री कर चुका था। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना था। इंग्लैंड टीम की परफॉर्मेंस इससे पहले बहुत ही अच्छी रही थी। वो अपने पूल स्टेज में तीनों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में आ रहे थे और इसीलिए इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराना आसान टास्क नहीं था। इस सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान के मेन बॉलर मोहम्मद आमिर अनफिट भी हो गए और आमिर की जगह रुमान रईस को शामिल किया गया। मैच शुरू हुआ, हसन अली और दूसरे बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की और इंग्लैंड को 211 रन पर ऑल आउट कर दिया। जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग करने आई तो पाकिस्तान के लिए टारगेट ज़्यादा मुश्किल लग ही नहीं रहा था। पाकिस्तान ने इस टारगेट को चेज कर लिया और फाइनल में अपनी जगह बना ली। और दूसरी तरफ इंडियन टीम बांग्लादेश को हरा कर इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में आ चुकी थी। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल यानी पूरी दुनिया की नज़रें इसी मैच पर। 18 जून 2017 को ओवल का मैदान पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होस्ट करने के लिए खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, चौथे ओवर की पहली बॉल पर मैच का सबसे बड़ा मोमेंट आया। बुमराह ने फखर जमान की विकेट ली लेकिन ये नो बॉल निकली और यही नो बॉल आगे जाकर इंडिया को बहुत भारी पड़ी। इसके बाद फखर जमान ने इस मैच में सेंचुरी जड़ दी और कोई भी फखर जमान को रोक नहीं सका। पाकिस्तान ने इस मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग की और 339 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया। फाइनल मैच में मोहम्मद आमिर की इंजरी से वापसी हो चुकी थी। उस वक्त इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी थी और शुरुआत में ही इंडियन टीम की विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी था और मोहम्मद आमिर ने ये किरदार बखूबी निभाया। आमिर ने इंडियन टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ कर रख दी। इंडियन टीम पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के सामने बुरी तरह से नाकाम रही। टीम इंडिया के 7 बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। हसन अली ने इस मैच की आखिरी बॉल डाली और सरफराज अहमद ने बुमराह का वो कैच पकड़ा। उस दिन उन सब के मुंह बंद हो गए थे जो बोलते थे कि पाकिस्तान इंडिया से ICC टूर्नामेंट में नहीं जीत सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।